खाद के रूप में अजोला उत्पादन करने के लिए 8x5 फीट का गड्ढा बना लें। गड्ढे में प्लास्टिक बिछा दें। उसके बाद प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी की एक सतह बनाएं। अब 4 से 5 किलो गोबर को 20 से 25 लीटर पानी में मिलाने के बाद इस घोल को बालू चालने वाली चलनी से छानकर गड्ढे में डाल दें। किसान भाइयों, साथ ही आप ये भी जान लें कि गड्ढे में गोबर का प्रयोग करने से अजोला में कीड़े लगने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप कार्बाफ्यूरॉन 3G नामक दवा 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गोबर का घोल डालने के बाद गड्ढे में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी की परत बना दें। अब ये गड्ढा अजोला उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप इस गड्ढे में अजोला डाल सकते हैं। अब आपको पानी के ऊपर अजोला की जो हल्की परत तैरती नजर आ रही है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें ताकि अजोला की जड़ें पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएं। 21 दिनों में ही आपकी क्यारी में अजोला की हरी हरी परत तैयार हो जाती है और 1 वर्ग फीट में लगभग 200 से 250 ग्राम अजोला प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अजोला उत्पादन आप गड्ढे की बजाय सीमेंट की क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से अजोला के बह जाने का डर रहता है, इसलिए सीमेंट की बनी क्यारियों के मुंह पर जाली लगा दी जाती है या फिर गड्ढों में पुआल लगा दिया जाता है ताकि पानी के बहाव के साथ अजोला बाहर ना आ जाए।